जिनको अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का एक छोटा सा व्यू देखना है ना, वो देख सकते हैं। इस पर मैंने कोई रिकॉर्डिंग या फिर वहाँ पे बहुत नॉइस था, तो मैंने सोचा मैं खुद ही बोल दूँ ताकि आप लोगों को भी थोड़ा बहुत आइडिया हो जाए। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये बाराटान मिडिल स्ट्रेट से बाराटान की साइड का जो जट्टी है वो है। तो उसके बीच में मतलब एक फेरी चलती है जिसमें मतलब लोग ट्रैवल करते हैं, गाड़ियाँ जाती है। तो हम अभी फ़िलहाल उस बोट में हैं, वो फेरी में, और ये दूसरी साइड जा रही है अब। तो आपको उस टाइम में ना मतलब बहुत अच्छा सा एक एक्सपीरियंस होएगा पूरा, मतलब आपको सराउंड किया हुआ दोनों साइड पे पूरा फॉरेस्ट रहेगा, मैंग्रोव्स का पूरा ये रहेगा, और फिर दूसरे जैसे फॉरेस्ट में रहते हैं ना पेड़, लेकिन क्या है आपको सी साइड हो जाता है जो वो मडी एरिया में, वो मैंग्रोव्स ही दिख रहा है जो एकदम बॉर्डर साइड का लाइन है। और ये जो बाराटान का ना आपको ये पिलर जो दिख रहा है, यहाँ पे अभी पुल बनने वाला है, एक ब्रिज टाइप का बनने वाला है जो मतलब क्लियरेंस उनका अपना चलता रहता है, तो उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। लेकिन ये जो है उनका अपना भी एक फ़िलहाल प्राइवेट एरिया है, ठीक है। और आपको इसमें मतलब मिडिल स्ट्रेट जो है, जिरगाटान से मिडिल स्ट्रेट जाते टाइम भी कंप्लीट आपको पूरा जंगल रहेगा, मतलब बहुत अच्छा लगेगा। जिनको ऐसे फॉरेस्ट ऐसे टाइप का एरिया पसंद है ना, उनके लिए बहुत सही है वो, मतलब देखना वो व्यू, फिर वो मतलब पीस ऑफ माइंड आपको मिल जाएगा वो टाइम में, तो वो एक्सपीरियंस बहुत एक अलग ही रहता है। वहाँ पे वहाँ के ट्रैवल्स जो है वो भी आपको देखने मिलेंगे। और हाँ, उनका पिक्चर्स क्लिक नहीं करना, ऐसे कुछ कुछ रूल रेगुलेशन है जो आपको जिरगाटान में कम्प्लीटली बताया जाता है। इसके बाद वहाँ से कन्वे छोड़ते हैं, मतलब उसका एक टाइमिंग रहता है, 6:30, 9:30, 12 o'clock, फिर लास्ट वाला में भी 3:00 or 2:30 ऐसे रहता है। तो वो टाइमिंग में ही कन्वे जब जाती है, बहुत जितना व्हीकल्स रहेगा वो एक टाइम में छोड़ा जाता है उनका नंबर सब लेकर, तो वो वाला एक्सपीरियंस भी आपको मिल जाएगा। और ज़्यादा डिटेल अगर आपको चाहिए पर्सनली, मुझे इंस्टाग्राम में आप पूछ सकते हैं ताकि मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ, या फिर किसी का नंबर दे दूँ जो टूरिस्ट मतलब टूरिस्ट से डील करते हैं ना, जैसे आपका होटल बुक करना हो या कुछ भी हो, तो वैसे ही हम आपको बता पाएगी। फिर वहाँ से जब वो कन्वे छोड़ता है, उसके बाद आके जैसे टूरिस्ट लोग हम बता देती है, उनको बाराटान में जाके केव देखने, पैरेट आइलैंड देखने मिल जाती है। तो वो जो व्हीकल में आप जाओगे वो जाकर रुक जाती है मिडिल स्ट्रेट जट्टी में, फिर वहाँ से आप लोगों को फेरी करना पड़ता है। और कई बार होता है कि आपका जो जिस गाड़ी में आप जाओगे वो भी दूसरी साइड जाता है, मतलब बाराटान जट्टी मिडिल स्ट्रेट से, तो आप वहाँ जा सकते हो। वहाँ पे वॉल्केनो, मड वॉल्केनो है, फिर वहाँ से आपको दूसरा बोट करना पड़ता है, ये फेरी से उतरकर अलग सा टिकट लेना होता है, तो वो आपको वहाँ का केव लेके जाएंगे। ऐसे वहाँ पे भी बहुत सारे प्लेसेस है, टूरिस्ट प्लेसेस जहाँ पे आप विज़िट कर सकते हैं, लेकिन आपको इतना नेचुरल मतलब ना बोलते हैं मतलब ह्यूमन से वो ख़राब नहीं हुआ वाला, वो नेचर, मदर नेचर का मैजिक वो देखने मिलेगा, जो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। मतलब आपको ऐसे लगेगा ना मतलब चारों तरफ में, आवाज़ मेरी थोड़ी ख़राब हो गई, अब चारों तरफ में आपको जंगल, अलग अलग तरह की चीज़ें, कई बार आप जैसे मैंने बताया जिरगाटान से जब छोड़ते हैं तो आपको कुछ जानवर भी देखने मिल जाएंगे रास्ते पे। अगर आपका गाड़ी जो स्टार्टिंग में है तो आपको देखने मिल जाएगी वो भी, उसके बाद तो बहुत सारी बसेस जब जाती है तो वो होता है ना जानवर जंगल की तरफ चले जाते हैं वैसे। और ये वाला जो व्यू है ना जो अभी आप फ़िलहाल देख रहे हो, मतलब बहुत ही मस्त व्यू है। तो चलिए आपको छोड़ते हैं, एक मिनट इस व्यू के साथ इंजॉय करिए। कोई भी क्वेश्चन रहेगा रिलेटेड टू जैसे टूरिज़्म के लिए या फिर कुछ भी, या पैकेज का आप अगर पूछना चाहे, हम आपको नंबर प्रोवाइड कर सकेंगे, वहाँ पे आपको डायरेक्ट अपना बात करना होगा, मेरा कोई लेना देना उसमें रहेगा नहीं। ये क्या है, मैंने ये वीडियो जस्ट ऐसे ही बनाया था जब हम खुद ट्रैवल कर रही थी, तो सोचा आप लोगों के साथ में शेयर कर दूँ, क्योंकि ऐसा एक व्यू और एक ऐसा एक एक्सपीरियंस हम तो बचपन से ही मतलब बहुत बार आते जाते रहते हैं, हमारे लिए नॉर्मल हो गया, लेकिन जब बाहर से लोग आते हैं ना उनका जो फेशियल एक्सप्रेशन बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि वो टाइम का वो मूवमेंट जो इन्जॉय करते हैं ना देखने बड़ा अच्छा लगता है। जैसे हम कहीं नए प्लेसेस में हम जब जाते हैं हमारे लिए वो नई चीज़ होती है, वैसे तो आप एक्सपीरियंस कर पाएंगे। अगर कभी प्लान करें तो पूछ लीजिएगा क्या है कर।